हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई स्ट्रीट बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी प्लांट किंगडम का फर्स्ट डिवीजन है। एल्गी जो क्या होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले तो बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में थैलस है क्या। थैलस ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर अगर इस पर चल रहा है तो ये जिस पार्ट पे ग्रो हो रहा है वो पार्ट होता है सबस्ट्रेट, चाहे वो रिवर बैंक ऑफ रिवर हो, चाहे वो सरफेस हो, सबस्ट्रेट हो, कोई भी हो सबस्ट्रेट, तो वो थैलस जिसके पास ना लीव्स है, ना स्टेम है, ना ही रूट्स है, उसको हम बोलते हैं थैलस। तो एल्गी क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। प्लांट किंगडम है तो फोटोसिंथेटिक होंगे। एल्गी प्लांट किंगडम में है, सेल वॉल होगी। जो सेल वॉल है इसकी किसकी बनी होती है? या तो सेल्यूलोज की बनी होगी या फिर पेक्टिन की बनी होगी। दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स है, किसी की भी बनी हो सकती है। एल्गी में जो प्रोसेस है, जो गैमेट्स प्रोडक्शन होता है वो देखो, गैमेट प्रोडक्शन है इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथीडियम और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं आर्गिगोनियम। आर्गिगोनिया को उगोनिया भी बोला जा सकता है, इसको उगोनिया भी बोलते हैं। तो उगोनिया हो, आर्गिगोनिया हो या फिर एंथीडियम, ये क्या है? गैमेट्स। और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे वो किसी के भी हो। देखो एक चीज याद रखना, ये एल्गी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सबकी बात आ गई। अब एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टाइडोफाइट्स हो, हर्मेनिन्स हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, जहां हम गैमेट्स की बात करते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मतलब कोई पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम रखे हुए हैं। मेल गैमेट को एंथीडियम, फीमेल गैमेट को आर्गिगोनियम और उगोनिया। यहां देखो बेटा, अगर जो गैमेट्स जो है अगर सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो उन्हें बोलते हैं आइसोगैमेट्स। और इनके फ्यूजन को, फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स, मतलब एक जैसे गैमेट्स के फ्यूजन को बोलते हैं आइसोगैमी। ये टर्म मैं बीच में बता रही हूं क्योंकि ये बाद में आती है, फिर आपको पता नहीं होता। ऐसे ही जो डिसिमिलर गैमेट्स है, जो एक बड़ा हो एक छोटा गैमेट हो, उसमें हम क्या बोलते हैं इनको? उगैमी। इनके फ्यूजन को क्या बोलोगे? उगैमी और एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी मतलब कि कोई भी एक जैसा गैमेट नहीं है। अब बात करते हैं हम जो ये स्ट्रक्चर बन गए हैं, जो एल्गी है। एल्गी की तीन क्लासेस है, जिन तीन मेन क्लासेस में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ही उनमें होता है कि तीन क्लासेस है, उनके कैरेक्टर्स कैसे याद करें। तो सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको यहाँ कैरेक्टर लर्न करने का बताऊंगी कि एल्गी की थ्री क्लासेस को किस तरह से आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। एल्गी की तीन क्लासेस कौन सी है? एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फेओफाइसी तीसरा है रोडोफाइसी। जो नाम है वही इंडिकेट कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर की है, ये ब्राउन कलर की है और ये रेड कलर की। तो अब आते हैं कि है कहां, हैबिटेट क्या है। सबसे पहले ले लेते हैं हैबिटेट, याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि डिफरेंस की फॉर्म में एक चीज को बनाना। हैबिटेट ये मोस्टली जितनी भी है फ्रेश वाटर होती है, अ फ्यू आर, कुछ एक क्या है, मैरीन है, जो सॉल्टी वाटर मिली। ये जो है ये मोस्टली मैरीन, समार फ्रेश वाटर।
और यही करेक्टर सेम पे ऑफ आईसी वाला आप इसमें लिख दोगे, किसमें? रेड में। वो भी क्या है? मोस्टली मैराइन और फ्यू आर फ्रेशर। क्यों? अब देखो ये तो हमें पता भी, हम अपने सराउंडिंग में ब्राउन एल्गी देखते हैं या रेड एल्गी देखते हैं, कोई भी नहीं देखते, ना तो ब्राउन एल्गी हमें दिखती है ना रेड एल्गी दिखती है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर में मिलती है वो सी और ओशन में मिलेगी। तो हम इन दोनों एल्गी पे अपने सराउंडिंग्स में नहीं देखते, सराउंडिंग में हमें कौन सी दिखती है? सर ग्रीन कलर की एल्गी, तो वही हमारे आसपास रह गए, वो आसपास है तो क्या है? फ्रेश वाटर में टैप वाटर आ रहा है, उसके नीचे एल्गी जम गई है, टूटे अगर लीक करने लग जाए तो भी एल्गी जम जाती है। कहाँ से आ गई? क्योंकि वो हमारी वो ज्यादातर फ्रेश वाटर है इसलिए वहां जम जाती है। दीवार पे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो बारिश के सीजन में क्या होगा? दीवार पे लग जाएगी। तो वो सारी एल्गी कैसी है? ग्रीन एल्गी। अब आता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर अगर इसका बात करें हम, तो वो कैसा है? सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो देखो बेटा, यहाँ ये मोस्टली जो है वो मल्टीसेलुलर होती है और कुछ एक इसमें यूनिसेलुलर भी है, जैसे क्लैमैक्टोमोनास है वो यूनिसेलुलर है। यहां ये सारी ही ऑल आर मल्टीसेलुलर, जितने भी मिलेंगे सारी की सारी क्या है? मल्टीसेलुलर। और यहां सेम करेक्टर इसका लिख दो, ये वाला करेक्टर उठा के यहां लिख दो, क्या है? मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड फ्यू आर यूनिसेलुलर। तो अगर आपने पहले देखो, पहले और तीसरे का करेक्टर सेम है, बीच वाले में डिफरेंस आ गया, बीच वाले में क्या कह रहा है? सारी सारी मल्टीसेलुलर, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट डिफरेंस का हम जाते हैं, अब देखो इसका हम थर्ड पॉइंट ले लेंगे कि जो मोटाइल सेल है वो है या नहीं। मोटाइल सेल, मोटाइल सेल, इसमें मोटाइल सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मोटाइल सेल है? गैमेट्स और स्पोर्ट्स दोनों ही मोटाइल है। फेओफाइसी में भी मोटाइल सेल प्रेजेंट है और वो भी कहां है? सेम चीज इसमें लिख दो, मोटाइल सेल है कहां पर है? गैमेट्स में है या फिर स्पोर्ट्स में? यहां मोटाइल सेल बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, कोई मोटाइल सेल है ही नहीं। अब इसी से रिलेटेड एक कॉज और लिख लो, फ्लैजेला। देखो भाई क्लियर सी बात है, अगर यहां क्लोरोफाइसी में मोटाइल सेल है तो मोटाई किसके वजह से? फ्लैजेला के, पैर तो है नहीं उनके, क्या किसे मूवमेंट होता है? फ्लैजेला से। तो इसमें फ्लैजेला होंगे कहां होंगे? एपिकल फ्लैजेला, टिप पर फ्लैजेला होगा। जेन लेटरल फ्लैजेला रखेंगे और यहां मोटाई नहीं है तो कोई फ्लैजेला भी इसमें नहीं होगा, कोई फ्लैजेला नहीं होगा इसमें। अब एक ये फ्लैजेला का गया। अब इसी से देखो पॉइंट पढ़ाने वाली बात भी, पांच नंबर में क्वेश्चन आने पर कैसे पांच छह पॉइंट लिखे। अब इसी फ्लैजेला के नंबर लिखे, हम यहां भी लिख सकते थे लेकिन हम क्या करेंगे? अगले पॉइंट में नंबर लिखेंगे। अगले पॉइंट में नंबर कैसे लिखेंगे कि इसमें जो फ्लैजेला है वो 6 to 8 है, मतलब 4 to 8 भी कह सकते हैं, 4 to 8, 4 to 8 तक हो सकते हैं, यहां से 2 है। अब यहां नंबरिंग आएगी तो वह नंबरिंग, जब फ्लैजेला ही नहीं है तो नंबर कैसा है? 3 पॉइंट, ये 2 भी लिख सकते हो बेटा, 2 to 4, 8, 6 to 8 तक जाते हैं पेयर में होते हैं। मोटाइल सेल अगर है तो प्रेजेंट, नहीं है तो एब्सेंट। एब्सेंट किसमें? रेड वाले में। इन दोनों में प्रेजेंट है फ्लैजेला, ऐसे ही इसमें एपिकल मतलब एपेक्स के ऊपर लेटरल साइड में, यहाँ जब मोटाइल सेल नहीं है तो फ्लैजेला भी एब्सेंट। यहाँ कितने? 2 to 8 या 2, और यहाँ है ही। अब इसके बाद चलते हैं हम इसमें कि इसमें फूड क्या है, रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है? बेटा जो ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और ग्रीन एल्गी है, इसमें रिजर्व फूड मतलब कि ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? तो ये है स्टार्च, ये
फ्लोरिडियन स्टार, सॉरी यहां इसी से ये स्टार्च हो फ्लोरिडियन स्टार्च, यहां छोड़ दे तो यहां लिखो लैमिनेरिन, एंड मैनिटोल, ये इसके रिजर्व फूड आ गए। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा कि क्लोरोफाइसिन में पायरिनोइड बॉडीज होती हैं। ये पायरिनोइड बॉडीज क्या करती हैं? प्रोटीन स्टोरेज है, ये स्टार्च के एक्स्ट्रा में होती है कि स्टार्च तो हो ही रहा है और ये इसी में आएगा पॉइंट, बस किसमें? क्लोरोफाइसिन में, क्लोरोफाइसिन में नहीं आएगा। या गया इसका स्टोर फूड। अब बात करते हैं हम इसकी, जो जो ये पायरिनोइड बॉडी है ये प्रोटीन स्टोर कर रही है, इसका प्लस में है स्टार्च तो है ही है, प्रोटीन भी स्टोर कर रही है। अब ले लो पिगमेंट्स को, अब हम यहाँ पिगमेंट्स ले रहे हैं, पिगमेंट को भी याद करने का अच्छा तरीका है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए सब में हुआ, तीनों में। अब यहां से चलो क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी, ए ए ए फिर बी सी डी, दोबारा आ जाइए यहां पर। इसमें जो क्लोरोफाइसी है इसमें तो यही है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, जो एक होता है कैरोटेनॉइड पिगमेंट, कैरोटेनॉइड पिगमेंट जो है वो यहां लिखो कैरोटेनॉइड, और यहां जो फेओफाइसी है इसमें अल्फा कैरोटेनॉइड, इसमें अल्फा और बीटा दोनों। बेटा इसको ना कैरेटीन भी बोल सकते हैं, अगर कैरेटीन बना तो ये कैरेटीन और कैरेटीनॉइड एक ही बात है। यहां देखो ये कैरेटीन, ये अल्फा, और यहां अल्फा बीटा दोनों लगा दो। अब नेक्स्ट पिगमेंट जो है वो है जैंथोफिल, जो कि तीनों में प्रेजेंट है, जैंथोफिल जैंथोफिल और जैंथोफिल। इस बीच वाले में एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये है फुकोजैंथिन। हाँ जी दोबारा देखिए, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी सी डी, कैरेटीन कैरेटीन लिख दो फिर कंफ्यूज करो, कैरेटीनॉइड बॉडी होती है जिसमें ये कैरेटीन स्टोर होता है, तो ये कैरेटीन अकेला या अल्फा कैरेटीन या अल्फा और बीटा, जैंथोफिल जैंथोफिल जैंथोफिल, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा फुकोजैंथिन। ये आ गए पिगमेंट्स। अब बात करते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये कैसे प्रॉपर थैलस है, ठीक है, यहां इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये थैलस जो है वो सिंगल भी रह सकता है और कॉलोनी में भी रह सकता है, मतलब जैसे वॉल बॉक्स है वो ऐसे रहता है, ये बहुत सारे इकट्ठे होके एक साथ, लेकिन जो स्पायर वगैरह है वो अकेला ही रहता है इसमें। या हो गया सिंगल भी है अलग, इनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर हम फेओफाइसी की बात कर रहे हैं, इसमें लीफ जैसा लगता है, ये भी थैलस, ये सारा सारा सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे पड़ा होगा ना तो ऐसे दिखेगा कि ये तो पत्ता है इसका, तो इसको बोलते हैं प्रॉन्स, ये इसकी स्टॉक होती है जिसको स्टाइक बोलते हैं, और ये इससे जो सबस्ट्रेट से जोड़ता है ये होता है होल्ड फास्ट, और यही स्ट्रक्चर। अब इस रेड एल्गी में भी ऐसे ही फ्रॉन्स दिखेंगे, फ्रॉन्स कैसे? अब इधर देखो ये, यहां फ्रॉन्स किसको कहा? लीफ जैसे स्ट्रक्चर को, ये स्टाइप इसकी स्टॉक होगी, होल्ड फास्ट जिससे अटैच है। यहां कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जैसे ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखे, तो लीफ को तो यहां भी क्या बोलेंगे? फ्रॉन्स ही बोलेंगे। ये मेन एक्सिस हो जाता है और ये इसकी ब्रांचेस होगी,
रोडोफाइसी, फेओफाइसी और क्लोरोफाइसी, एक ही टेबल में सारे सारे करेक्टर्स आ जाते हैं। ये तो थे इनके डिफरेंसेस किसके क्लासेस में, एल्गी में तीन क्लासेस है, उनके डिफरेंसेस क्या है, उन्हीं डिफरेंसेस हमने सारा सारा क्या कर दिया कवर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिए। अब बात करते हैं एल्गी के लाइफ साइकिल। बेटा लाइफ साइकिल जो एल्गी का है उसमें देखो, हम हमेशा लाइफ साइकिल में बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकती है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से, और सेक्सुअली जो है वो गैमेट फॉर्मेशन से। यहां एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, या तो स्पोर बन जाए, जूस स्पोर हो गया और वो स्प्रेड होके नया ऑर्गेनिज्म बना ले, या बॉडी स्प्लिट कर जाए और नए जितने भी पार्ट्स में स्प्लिट करे वो डिवाइड और रीडिवाइड होके नया ऑर्गेनिज्म बना ले, वो फ्रेगमेंटेशन हो गया। हम जब लाइफ साइकिल की बात कर रहे होते हैं तो हम सेक्सुअल फेज को देखते रहे। यहां दो टर्म आएंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बेटा बायो को समझना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि बायो तो क्या रखने की चीज है, बच्चे शर्म करते हैं, ये भी नहीं पूछते कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या, उन्हें पता ही नहीं है। और वो दिमाग वो ऐसे बड़े भी हो जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन तक भी चले जाते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में हैप्लॉइड किस चीज को कहते हैं। हमने यहां क्रोमोसोम बनाए, ये कितने क्रोमोसोम है, एक पेयर और ये दो पेयर। लेकिन यहां जो क्रोमोसोम है वो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये क्या है, एक और ये दो, पेयर में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। जहां क्रोमोसोम गिनती तो है तो कंप्लीट 1 2 3 4 जितने भी जिसमें है, लेकिन अकेले अकेले रखे हुए हैं वो हैप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहेंगे, एक है तो उसके ऊपर दो है, दूसरा है तो उसके भी इसके बाद दो क्रोमोसोम है, तीसरे नंबर पे है तो तीसरे पे भी दो आएंगे। तो सबसे पहले तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझो। जब भी किसी का भी दुनिया में, किसी का भी मतलब या प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ये पूछा जाता है कि पोलाइड ही बता दो भाई, तो आप समझ जाना कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड में से कोई चीज पूछा है। हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं, डिप्लॉइड को 2N से डिनोट करते हैं। पोलाइड ही, यही कंफ्यूज कि क्या पूछ लिया पता नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हैप्लॉइड है क्रोमोसोम या डिप्लॉइड है। दूसरी बात, अगर किसी की पोलाइडी पूछी जाती है गैमेट्स की, कुछ चीजें तो कंफर्म है, अगर दुनिया में किसी भी चीज का गैमेट पूछा जाए तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड जाएगा, इट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। दुनिया में किसी भी चीज का जाएगा हो डिप्लॉइड होगा, किसी भी चीज का गैमेट हो हैप्लॉइड। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की, अगर ये चीज कंसेप्ट क्लियर है आपका तो अब यहाँ एक और वर्ड यूज करेंगे। हमने कहा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के लिए जिसमें गैमेट बनते हैं तो उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। यहां देखो एल्गी का मेन प्लांट बॉडी वो है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है तो इसको बोलेंगे गैमेटोफिटिक। हैप्लॉइड को क्या बोल दिया, गैमेटोफिटिक। अभी मैंने क्या कहा, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो गैमेट से ही वर्ड लिया गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक बॉडी है और इस पे अब बनेंगे गैमेट्स। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेट को आर्किगोनियम। ये चीज हमें पता है, हमने बता दिया पहले कि इसको ये बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, याद करने के बहुत तरीके हैं, गैमेट लगेंगे किस पे, कोई ना कोई चीज तो होगी। तो यहां एक स्टेप और ऐड करो, क्या, या तो लिखो मेल गैमेटोफाइट या फिर सीधा एंथ्रीडियोफोर। ये क्या हो गया एंथ्रीडियोफोर, और ये हो गया आर्किगोनिया, तो आर्किगोनियो
इस पे फीमेल गैमेट लग गए, इस पे मेल गैमेट लग गए। प्लांट बॉडी क्या सी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेट क्या बनते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना कौन सी डिवीजन, कौन सी माइटोसिस। तो इस स्टेप पे हमने लिख दिया है कि माइटोसिस हो रही है दोनों में। अब जो माइटोसिस यहां पर ये जो था मेल और फीमेल गैमेट था, अब इनका क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया जायगोट। जायगोट क्या अभी बताया डिप्लॉइड, तो इसको क्या लिखोगे टू है। जैसे भी अंडरस्टूड है ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, दोनों का मिक्सचर होगा तो डिप्लॉइड हो जाएंगे भाई, पेयर में तो आएंगे। और ये पेयर में आते हैं, देखो अगर ये हैप्लॉइड में वन और टू थे और तो ये दूसरे गैमेट के वन और टू है, तो ये ऐसे जाएगा इसके पास वन के पास वन और टू के पास टू, तो पेयर बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि इसके एक और दो आगे और इसके एक और दो पीछे चले जाएंगे, नहीं। ये क्या है वन वाला के साथ वन वाला जाएगा, टू वाले के साथ टू वाला जाएगा, जो हाँ जो उस नंबर पे जो है उसके साथ पेयर बनाते हैं। क्या जायगोट बन गया, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, सीड बनता नहीं, यहां तक पहुंचना है इसने, तो ये क्या बनेंगे यहां बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। अब बताओ कौन सी डिवीजन होनी चाहिए, रिडक्शनल डिवीजन कौन सी है मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी चीज है जो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देगी। तो इसमें सिर्फ ये एक जायगोट वाला फेज ऐसा है जो डिप्लॉइड फेज है, बाकी सारा फेज कैसा है हैप्लॉइड फेज। ये सब क्या है हैप्लॉइड फेज। अब इस हैप्लॉइड फेज और ये हो गया सारा डिप्लॉइड, कौन सा फेज डोमिनेंट है हैप्लॉइड। लाइफ साइकिल कैसे होगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर थोड़ा सा ध्यान दे देना तो बहुत इजी है भाई। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक, गैमेट बन गए मेल और फीमेल गैमेट, उसमें क्या लग गए फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई जायगोट बना, जायगोट में दोनों का फ्यूजन हुआ इसलिए टू एन हैप्लॉइड स्पोर है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बनानी है तो स्पोर से डायरेक्ट अलग हो जाएगा, इसलिए मियोसिस हुई जायगोट में से, जायगोट से क्या लोगे स्पोर्स। ये क्या है ये पूरा लाइफ साइकिल आ गया एल्गी का। अब लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी के फायदे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के नाम से भी आ जाएगा ये। अगर ये पूछा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी बता दो, या फिर ये पूछा जाए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी बता दो, तो दोनों में ये पॉइंट्स आते हैं। क्या सबसे पहले तो देखो एल्गी है प्लांट है, चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इनको क्योंकि ऑफ ऑक्सीजन, क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्या हो गया चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा अमाउंट यही फिक्स करते हो प्रोड्यूस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो गया। पैरामाउंट्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, पैरामाउंट्स का मतलब क्या हो गया एक्वाटिक लाइफ है। देखो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी कहाँ है सियर ओशन में, ग्रीन एल्गी कहाँ है फ्रेश वाटर में, तो चाहे वो एक्वाटिक लाइफ फ्रेश वाटर की हो या फिर किसकी मरीन वाटर की हो, दोनों में ही क्या करेगा फूड की तरह वो करेगा एज ए फूड फॉर द एक्वाटिक लाइफ। क्यों क्योंकि एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, अपने आप में ही बहुत एनर्जेटिक होती है एल्गी। प्रोफायरा लेमिनेरिया एंड सार्गेसम ये तीन एग्जांपल उसके हैं रेड एल्गी की, ये 70% स्पीशीज इसमें से ये तीन ऐसे हैं जो कि फूड के ऑर्डर की तरह यूज होते हैं। और आज अब ब्राउन और रेड एल्गी की जब बात करते हैं तो ये हाइड्रोक्लाइड्स है, हाइड्रोक्लाइड्स का मतलब होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रखते हैं। बेटा जब फ्रेश फूड को पैक करते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स जैसे मैंगो है, मैंगो तो वैसे पल भी होता है, तो वो मॉइस्चर को रिटेन रहे उसमें उसके लिए हाइड्रोक्लाइड्स को लिखते हैं। उनमें क्या है एल्गी की एक लेयर बना दी फिर मैंगो रख दिए फिर एल्गी की एक लेयर, तो मॉइस्चर उनको प्रॉपर मिलता रहेगा, तो वाटर होल्डिंग केमिस्ट्री की तरह भी काम करते हैं, इनमें वाटर को होल्ड करने का होता है। एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं
जो रेड एल्गी से बनाया गया केराटिन और ब्राउन एल्गी से बनाया गया एल्जी, जो कमर्शियली यूज होते हैं। अब कमर्शियली यूज का मतलब क्या, देखो इनसे जो अगार बनता है, अगार क्या है, जिलेटेरियम और ग्लेसियरिया से बनता है ये केराटिन, अगार बनाने में भी यूज होते हैं और ये आइसक्रीम्स और जेली बनाने के लिए यूज होते हैं। पहली बात तो अगार बनाया क्यों, अगार की बात करें तो अगार जब रिसर्च में जाओगे और माइक्रोब्स वाली रिसर्च होती है बेटा, तो माइक्रोब्स को भी तो कुछ खाने के देंगे, वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ग्रो करेंगे, माइक्रोब्स भी वहीं जाएंगे जहाँ उन्हें फूड मिलेगा, तो वो माइक्रोब्स का फूड है। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, उनको इन्वाइट करने के लिए, आओ भाई यहाँ ग्रो करो, उसके लिए बनाया जाता है एगार। एगार तो इसके लिए आ गया। अब जिलेटेरियम और ग्लेसेरिया से ये जो केराटिन है, कॉन्ड्रस एल्गी होती है, वैसे कॉन्ड्रस एल्गी है जिससे केराटिन प्रोड्यूस किया जाता है और यही आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए यूज होता है। हम अपने घर में जब आइसक्रीम लगाते हैं तो खूब सारा उसमें बिल्कुल प्योर मिल्क यूज करेंगे, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, फिर भी वो सॉफ्टनेस जो मार्केट की आइसक्रीम में आती है ना, वो घर वाली आइसक्रीम में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो एल्गी का यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्ट जो नेचर होता है ना आइसक्रीम का और जेली सॉफ्ट होती है, वो किसकी वजह से होती है, एल्गी से। केराटिन प्रोडक्ट है तो ये कमर्शियली आ गए, मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। कोरोला स्पायरुलिना, ये यूनिसेलुलर एल्गी है और किसकी तरह काम होती है, फूड सप्लीमेंट की। इतना रिच प्रोटीन कंपाउंड है इनके अंदर कि इनको स्पेस जो ट्रेवलर्स होते हैं, जैसे अभी सुनीता विलियम्स गई हुई है, अभी देखो बेटा आपको एक चीज ये नोटिस करो कि कभी स्पेस पे जाने वाले ये नहीं है कि राजमा चावल ले गए हैं, वो आज राजमा चावल खा रहे हैं, कल छोले भटूरे खा रहे हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स ले जाते हैं जो हाईली एनर्जेटिक हो और उनसे उनकी भूख भी मर जाए, तो दो फायदे होंगे उससे, एक तो स्पेस कम लेगा, तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में मिलते हैं, स्पायरुलिना की और इसकी क्लोरिला है, इसकी टैबलेट्स मिलती है, स्पायरुलिना भी बहुत नॉर्मल मार्केट में मिल जाएंगे, ये प्रोटीन रिच कंपाउंड्स होते हैं, तो फूड सप्लीमेंट्स की तरह ही काम करते हैं ये। कुछ एक इम्पोर्टेंस है एल्गी की, बहुत सारे, एक अलवा एल्गी होती है स्कॉटलैंड में, अलवा जो एल्गी है, हलवा नहीं है ये, वो पीछे कह रहा है हलवा, हलवा नहीं होता, अलवा, अलवा क्या स्कॉटलैंड में मिलती है, इसको एज ए सैलड यूज करते हैं क्योंकि एल्गी में बहुत न्यूट्रिशन है, तो ज़्यादातर तो ये फूड और फॉडर की तरह ही यूज किया जाता है। कमर्शियली आ रहा है यहाँ आइसक्रीम जेलीज में आ गया, अगार प्रोडक्शन में आ गया, यहाँ हाइड्रोक्लाइड्स इससे बन रहा है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। तो ये सारा ही सारा आपका इसमें एल्गी का कवर हो गया। इसमें हमने एल्गी का जो तीन मेन क्लासेस थी जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उन डिफरेंस की फॉर्म में लर्न किया, लाइफ साइकिल हमने इसका पढ़ लिया और यहाँ हमने इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ ली। तो ये जो है ये एल्गी का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको बेटा कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए।